दोस्तों श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाला है सेकेंड सेमीफाइनल एशिया कप वुमेंस T20 का। देखो ये मैच में ना श्रीलंका टीम स्ट्रांग तो है, बट यस पाकिस्तान अच्छा काउंटर दे सकता है इस मैच में। और इस मैच में नीदादर जैसे प्लेयर्स भी रोल में आएंगी, तो अच्छी प्लेयर रहेंगी। और एक रीज़न, बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में ना एक ऑफ स्पिनर है, वही नीदादर। और अगर श्रीलंका से देखते हो अब चमारी अड्डपटू रहेंगी, हर्षिता माधवी, हसिनी पेरेरा वगैरह लेफ्टी बैटर है। तो यहाँ पे भी निदा का परफॉर्मेंस देना दोस्तों और चाहिए, और बड़े प्लेयर भी है, बड़े मैच में परफॉर्म भी कर सकती है। तो डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, स्लाइड में वीडियो नहीं मिलेगा बट इतना इन्फॉर्मेटिव मिलेगा ताकि आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया से बढ़िया रैंक कर पाओ और विन भी कर पाओ। तो पूरा वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और अगले मैचेस जैसे कि 100 वुमेन्स का वीडियो लाइव हो जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी लाइव है सॉरी। प्लस आपको मिलने वाला है, अभी असम वुमेन्स कवर कर रहे हैं, बुल्गेरिया T10 कवर करेंगे, और एसोसिएट जो मेरा सबसे पसंदीदा है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हमने कवर किया, और फ्यूचर में जो आएगा वो कवर करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, और टेलीग्राम चैनल जुड़ना बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म। तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलो एनालिसिस करते हैं। देखो ये जो एवरेज स्कोर है ना, डिपेंड्स ऑन बैटिंग फर्स्ट। श्रीलंका स्लाइटली स्ट्रॉन्गर टीम है, ये 130-140 रन बना लेंगी, और अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट किया तो 110-120 इसके आसपास रन बनेगा। श्रीलंका से देखेंगे तीनों मैच जीत के आ रहे हैं दोस्तों, विश्मी ओपन विद चमरी अड्डापट्टू, हर्षिता समारा विक्रमा, हसिनी पेरेरा, संजीवनी और दिलारी डी सिल्वा होगा वगैरह, ऐसा बैटिंग ऑर्डर ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए इनका बैटिंग ऑर्डर श्रीलंका का। इसके आसपास क्या एग्जैक्टली ही होगा इस मैच में ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कविशा दिलारी आ जाएंगी, हसिनी पेरेरा की जगह 2 डाउन ठीक है, ऐसे ही होगा। विश्मी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 39-1-51 बहुत अच्छे प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, ऑनेस्ट बताऊँ बहुत इंप्रूव हुआ है इनका क्रिकेट, यूज़ कर सकते हो बैटिंग सेक्शन में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट चॉइस भी है बैटिंग सेक्शन में, स्पेशली अगर श्रीलंका ने चेस किया तो और भी ज़्यादा। बैट फर्स्ट करते हैं तो एक दो प्लेयर और ओपन हो जाते हैं, बट चेस करते हैं तो ज़्यादा से बेटर है। चमारी अड्डापट्टू इस मैच में डिफॉल्ट कैप्टन, सब बनाएंगे, 119-49, 12 रन, 3 ओवर, 1 विकेट, बहुत बढ़िया नॉक है। हर्षिता समारा विक्रमा एक और ठीक ठाक ऑप्शन, अगर बैट फर्स्ट करता है श्रीलंका में यूज़ कर सकते हो, ये ना एक ऐप पकड़ के कर दिया, ये आपको ज़्यादा नहीं 230-235 पॉइंट के आसपास देंगे, और वो कंसिस्टेंटली दे दिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंसिस्टेंटली आपको एक पॉइंट मिलता है इनसे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। हसिनी नहीं ले सकते हम लोग अभी, संजीवनी नहीं लेंगे अभी के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास विकी से मुनिबाली आ जाएंगी। कविशा दिलहारी बहुत तगड़ा चॉइस है, बहुत तगड़ा है, कैप भी से बना सकते हो, और ये मैच में ना इनका बैटिंग से भी रोल रहेगा, फिर ये बॉलिंग भी डालेंगे, और मुनिबाली लेफ्टी बैटर है, ये ऑफ स्पिन बॉलर है, तो वहाँ पे भी बॉलिंग में प्ले में आ जाती है, बहुत ज़रूरी चॉइस है कविशा दिलहारी। नीलाक्षी डी सिल्वा इग्नोर करते हैं अभी, लोअर ऑर्डर हिटिंग करेंगे दोस्तों। ये नीलाक्षी वगैरह जो है ना, ये श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग एस फिनिशर प्ले करेंगे, बट फैंटेसी में फिनिशर का कोई ज़रूरत नहीं है, फैंटेसी में जो मैक्सिमम पॉइंट देगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में उसको ही रखना है, ग्रैंड लीग में बात अलग, थोड़ा बहुत रोटेशन करो संभाल। इनुशी प्रियदर्शनी बहुत तगड़ा चॉइस है, एज अ प्लेयर मस्ट बी प्लेयर है, 4 ओवर 2 विकेट 2 ओवर 1 विकेट 3 ओवर 1 विकेट मस्ट बी प्लेयर होना चाहिए। अचिनी कलुसरिया 3 ओवर 1 विकेट 2 ओवर विकेट लेस, अभी के लिए हम लोग मस्ट पिक नहीं मानते, क्योंकि देखो हमें ओपोनेंट से भी कुछ बॉलर्स को लेना है, और वन साइडेड तो है नहीं, मे बी 60-40 है आप बोल सकते हो इस, और ज़्यादा से ज़्यादा 265-35, तो यहाँ पे हम लोग कुलासरिया अभी के लिए मस्ट पिक नहीं, और ओवर भी कंप्लीट नहीं कर रही है ये प्लेयर। सुगंधी का इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगर खेलती है तो इनको ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक आधा विकेट मिल सकता है, बट ये ना थोड़े से डिफेंसिव नेचर के बॉलर है दोस्तों, विकेट टेकर कम है, डिफेंसिव ज़्यादा है। उदेशिका प्रबोधानी अगर बॉल फर्स्ट होता है श्रीलंका का, मस्ट पिक प्लेयर, ये पावर प्ले में विकेट निकाल सकती है, गुल फिरोजा का पावर प्ले में विकेट गिर सकता है इनसे, प्लस ये डेथ में भी बॉलिंग के लिए आ जाती है, अच्छी चॉइस है स्पेशली बॉल फर्स्ट। ओपनिंग बॉलिंग इनोशी अचिनी सुगंधिका चमारी, सुगंधिका अचिनी लास्ट मैच में डेथ किया था, बट मुझे लगता है इस मैच में ना ये दो प्लेयर इनोशी और उदेशिका जरूर ओवर कंप्लीट करेंगी, सुगंधिका भी ओवर कंप्लीट करने वाली है, बाकी के ओवर डिस्ट्रीब्यूशन और कट हो सकता है लाइक कविशा दिलहारी चमारी अटवटो वगैरह का, ये ओवर्स कट डाउन हुए थे जिनका ये खेले ही नहीं थे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेंजेस करेगा, गिमानी ऐड होने से ऐड हो सकती है मैक्सिमम। अमर जाना 3 ओवर 1 विकेट, कविंडी ने 4 ओवर में 2 विकेट, और निशान सलाह, बट देखो थाईलैंड मलेशिया ऐसे टीम्स के अगेंस्ट जो विकेट निकाल के आना, और यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट विकेट निकालना थोड़ा तो डिफरेंस होगा, सॉरी पाकिस्तान ठीक है, बांग्लादेश भी नहीं, पाकिस्तान थोड़ा और बेटर टीम, पाकिस्तान विन विन लॉस, गुलफिरोजा ओपन विद मुनिबाली, सिद्रामी, नुमाइमा सुहेल, अली अरियास, नीदादर होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से देखोगे तो गुलफिरोजा आपके लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं इस मैच में नहीं लूँगा, इनका जो नॉक्स आया है ये वीकर टीम्स के अगेंस्ट आया है, फिलहाल हम लोग नहीं लेंगे गुलफिरोजा को ठीक है इस मैच में,
डिफरेंशियल ले सकते हो अटैकिंग ग्रेड खेलती है, बट यार ओपोनेंट श्रीलंका भी ठीक ठाक स्ट्रांग है। मुनीबा अली, इनको हम लोग विकी में ले लेंगे, 37-46-11 मस्ट पिक प्लेयर। सिद्रा अमीन, अच्छी डिफेंशियल है, अब तक ज़्यादा किया नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ा ना ये दोनों मैच में, तो इनको बैटिंग भी नहीं मिला, बट ये प्लेयर एक एंड पकड़ के करने वाली बैटर है, एक एंड पकड़ के रन बनाती है। उमायमा सोहेल, डिफेंशियल है, बॉल फर्स्ट डेथ में आ जाती है कई कबार। अली अरियास, 50-50 कॉल, स्पेशली पाकिस्तान बैट फर्स्ट, आप अगर वन साइडेड बना रहे हो इन फेवर ऑफ श्रीलंका तो हो सकता है एक एंड पकड़ के खेलेंगे अली अरियास, तो ले सकते हो, बट स्पेशली पाकिस्तान बैट फर्स्ट। नीरा दर अभी हम लोग इग्नोर करते हैं दोस्त, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते यार, कैसे इग्नोर कर सकते इस मैच में, तो यार ये मस्ट पिक प्लेयर है, मैं फ्लो में बोल दिया और मैंने आपको अभी समझाया, तीन थी लेफ्टी बैटर, ये इकलौता ऑफ ब्रेक बॉलर बहुत ज़रूरी है। हाँ उमायमा सोहेल डाल सकती है, बट वो कंट्रोल नहीं मिलेगा जितना निदा का है, निदा इस मैच में बहुत ज़रूरी है, मस्ट पिक है, और रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, कैबीसी नहीं बनाएंगे, बट एज अ प्लेयर ले लेंगे, चाहो तो कैबीसी भी बना सकते हो पाकिस्तान बॉल फर्स्ट में। टुबा हसन, 50-50 कॉल रहेंगे, ओवर कंप्लीट नहीं हो रहा है इनका, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन, इस मैच में निदा भी डालेंगी तो इनका ओवर कट हो सकता है। फतिमा साना, हाँ इनको ले लेंगे क्योंकि ये बैटिंग से वैल्यू दे सकती है, बॉलिंग से विकेट निकाल सकती है, स्पेशली बॉल फर्स्ट बहुत तगड़ा है, और विश्मी गुन जो है ना वो दोस्तों अभी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, इम्प्रूव प्लेयर है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फतिमा को विकेट मिल सकता है। साहिदा अरूप शाह, इस मैच में शायद मैं ना लूँ, बहुत सारे लेग स्पिनर लेफ्टी बैटर है ओपोनेंट के पास, शायद ये फिर से ओवर कंप्लीट ना करे, अब देखो टूर्नामेंट में एक बार सिर्फ ओवर कंप्लीट किया, दो ओवर विकेटलेस भी थे एक मैच में, दो विकेट। नश्रा संधू, इनको मैं ले लूँगा बहुत लेफ्टी बैटर होने के बाद भी, क्योंकि अच्छी प्लेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, सदिया इकबाल ट्राई कर सकते हो, दोनों अच्छी चॉइस है, स्पेशली पाकिस्तान बॉल फर्स्ट दोनों मस्ट पिक हो जाएगा, हो जाएगी। ओपनिंग बॉलिंग सदिया इकबाल, फतिमा उमैमा, डेथ में टुबा हसन, सईदा अरूशा और सदिया इकबाल करते हुए दिखेंगी, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, फतिमा सेफ है, नश्रा संधू स्पेशली बॉल फर्स्ट और सदिया इकबाल भी दोस्तों आपके लिए बॉल फर्स्ट रहेंगी, मैं इस मैच में नीता दर को बैक करूंगा। डेथ में कौन आएंगे दोस्तों, एक ओवर पीछे सदिया इकबाल जरूर डालती है, एक ओवर पीछे नश्रा जरूर डालेंगी, मुझे लगता है ये दोनों एक एक ओवर पीछे डाल सकती है, बाकी फतिमा साना डेथ में करेंगी, तो बेसिकली ये तीन ऑप्शन फतिमा साना, सदिया इकबाल और नश्रा संधु को ही मिलेगा पीछे के ओवर्स, अगर डायना बैग ऐड हो जाती है तो वो एक ओवर पीछे डाल सकती है। ये ओवर डिस्ट्रीब्यू इनके पास ना वो ऐसा नहीं होता है कि ये दो बॉलर पीछे डालेंगे 17-19, ऐसा नहीं होता है, इनको एक एक ओवर करके दिया जाता है, ये मैंने नोटिस किया, ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए, डायना बाग खेल सकती है। हेड टू हेड जब हुआ 2023 में 75 पे ऑल आउट पाकिस्तान बैट फर्स्ट करते हुए, किसी ने रन नहीं बनाया, हाईस्ट रन 16 है तो इग्नोर ही करते हैं, मुनीबा सिर्फ 13। सदिया इकबाल, डायना बाग, उमय हानी डिफेंड करते हुए विकेट निकाले थे, श्रीलंका स्वतंत्र चेस कर गया, हर्षित समारेक्रमा का 23 रन था, नीलाक्षी का 18, संजीवनी 15, मतलब टॉप ऑर्डर कोलैप्स। उदिशिका प्रबोधानी, 3 विकेट मिला था इस मैच में, कविशा दिलहरी का 2 विकेट, इनोशी अचिनी और इनो का रनावेरा 1 विकेट लीज, उससे पहले हेड टू हेड में श्रीलंका 122 बनाया था 6 विकेट से, और उस मैच में हर्षित समारेक्रमा, मैंने आपको बताया ना बैट फर्स्ट ये रन बना जाती है, 35 रन बनाया, 26 अनुष्का, नीलाक्षी 14, इनोका रनावेरा को 2 विकेट मिला था उस मैच में, कविशा सुगंधिका 1 विकेट लीज, पाकिस्तान में 121 चेस जस्ट 1 रन, 42 बिस्मा, 26 निदादर, 18 मुनीबाली, बेस्ट बॉलर नश्रा संधू थे बट बॉल फर्स्ट करते हुए 3 विकेट, एमएन अनुवन, निदादर, सादिया इकबाल का 1 विकेट लीज। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर देना है, और जो नए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों जो टीम बन रहा है मेरा, मुनीबा अली बहुत सेफ है, एकदम से है, गुलफिरोजा पब्लिक जा रहा है, हर्षिता मांधवी बैट फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, मैं फिलहाल विश्मी के साथ जाऊंगा, एक लौती बैटर, अलिया रियास, नीलाक्षी डिसल पर इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली। नीदा दर इस मैच में ज़रूरी है, चुमारी ज़रूरी है, फतिमा स्पेशली पाकिस्तान में बॉल फर्स्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विकेट निकाल सकती है, पावर प्ले एंड डेथ में भी आ जाती है। कबीशा इंपॉर्टेंट है, साहिदा नहीं लूँगा, उमैमा फिलहाल हम लोग नहीं लेंगे। सदिया इकबाल मस्ट पिक, नश्रा संधू मस्ट पिक, प्रबोधानी को मैं प्रेफर करने वाला हूँ इस मैच में, सुगंधिका को हम लोग रखेंगे, और इनोशी मेरा पसंदीदा बॉलर है, इस श्रीलंकन टीम से सबसे कंसिस्टेंट बॉलर है। कैप्टन चमारी और मैं वाइस कैप्टन कविशा के साथ ही जाऊँगा। मैं निदादर अगर बॉल फर्स्ट करता है पाकिस्तान में तो यूज़ कर सकते हो कैबीसी, नॉट अ बैड चॉइस, बहुत बढ़िया चॉइस है स्पेशली पाकिस्तान में अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है। फिलहाल ये रहेगा टीम, कुछ भी अपडेट आता है आफ्टर टॉस कवरेज और डेमो टीम शेयर होगा टेलीग्राम पे, जुड़ने आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।